बोलो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली घेरा है, चिड़िया का बसेरा है। ए भाई जरा देख के चलो, ये रह जाएंगे खाली पड़े, ये कार ये बंगले। चला जाता है आदमी, मुंह खुल जाता है, घर वालों को बंद करना पड़ता है, मुंह खुल जाता है, ऐसे आंख फटी की फटी रह जाती। इच्छा द्वेष समुत्थेन, भगवान हम नहीं बन सकते। जो भगवान बनने की इच्छा करते हैं, इस संसार को भोगने की इच्छा करते हैं, इसी को काम वासना कहा है, काम कहा है कि मैं सम्राट बन जाऊं, मैं सिकंदर बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। कौन भगवान, कौन कृष्ण, कौन राम, कौन रहीम, कौन जीसस, कौन अल्लाह? मैं अल्लाह हूं। बकरे की तरह जब आदमी मैं करने लग जाता है, तब वो इस संसार में बार बार भटकता है, जन्म लेता है, मरता है, गिरता है, सड़ता है, बिगड़ता है, बदबू आने लगती है। फिर जन्म लेता है, दिमाग सड़ जाता है, सब कुछ सड़ जाता है, गड़ जाता है और जल जाता है एक दिन आग की लपटों में। फिर जन्म लेता है। जो कर्म करे उनका संचित फल, जो कारण शरीर बोलते हैं, काजल बॉडी, तीन शरीरों की रचना है हमारी शरीर। एक शरीर तो दिखाई दे रहा है, ये ग्रास बॉडी, स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, उसके भी पीछे कारण काजल बॉडी, कारण शरीर। ये तीन शरीरों के पीछे आत्मा है, वो इटर्नल है, वो सच्चिदानंद है, वो कभी नहीं मरती। तो ये हमारे कर्मों का, जीवन भर जो कर्म कर रहे हैं, इनका जो रिटर्न मिलता है, हमको फल मिलता है, वो हमारा एक शरीर मिलता है, बस। ये कंक्लूजन है, ये विज्ञान है भगवान का, साइंस है उस परमात्मा की। अभी जीवन भर आप जैसा जैसा करोगे, उसके अनुसार आप एक शरीर निर्माण कर रहे हैं। ये शरीर भी निर्मित हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद, कि जो व्यक्ति जीवन में सुअर खाता है, सुअर, सुकर, सुकर खाने का अभ्यास करता है सारी जिंदगी, वो आधा सुकर आधा सुअर तो बन गया। उसकी आंखों की आकृति से, चेहरे की आकृति से, उसके स्वभाव से, उसके रहन सहन से, उसके बोलने चालने से, उसके व्यवहार से, वो 50% सुअर तो मनुष्य शरीर में रहते हुए बन गया ऑलरेडी। बाकी बचा 50%, वो उसको, ये प्रकृति भगवान की बड़ी पूर्ण है, भगवान की दासी है, भगवान के डायरेक्शन से काम करती है, तो उसको सुअर के पेट में एग्जिस्ट करेगी उस आत्मा को, उस सूक्ष्म बॉडी को, तो फिर एक शरीर लेके प्रकट होगा, सुअर का, सुअर का बच्चा बनेगा। और एक व्यक्ति देवता का जैसा भी शरीर निर्माण करता है कर्मों से, यज्ञ दान पुण्य धर्म पायस एक्टिविटीज करके, धार्मिक कृत्य करके, देवताओं का जैसा शरीर भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन है संसारी, देवता भी संसार में, वो सुअर भी संसार में है, मनुष्य भी संसार में है। भगवान कहते हैं ये सब इच्छा द्वेष से होता है। संसार को भोगने की इच्छा करता है, खुद परमात्मा बनने की इच्छा करता है, लॉर्ड ऑफ द रिंग बनने की इच्छा करता है। और जो वास्तव में जो लॉर्ड ऑफ द रिंग है, उनको नकारता है, उनसे द्वेष करता है, यानी परमेश्वर से द्वेष करता है, कृष्ण से द्वेष करता है,
उस परम सत्ता से द्वेष करता है, उसको नकारता है, मना करता है कोई भगवान नहीं, वो खुद भगवान बनने की इच्छा करता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, जब ऐसी ऐसा प्राकट होता है, ऐसा ऐसी पैदाइश होती है हमारे हमारे विचारों में, समुत्थेन मानी उठना, ऐसी ऐसी विचारधाराएं उठती हैं कि मैं ही भगवान हूं, कौन भगवान, तो दूसरी ओर भगवान को नकारेगा। तुम ही बॉस हो तो तुम दूसरे बॉस को कैसे देखोगे? कोई बोले कि तुम नहीं मैं बॉस हूं तो तुम नफरत करोगे, झगड़ा करोगे, उसको जीने नहीं दोगे, दूसरे बॉस को उड़वा दोगे, गोली चलवा दोगे, चला दोगे, उड़ा दोगे। नहीं, ये भगवान का अंश आत्मा, भगवान का दास है, भगवान का सबॉर्डिनेट है, हम भगवान के सबॉर्डिनेट है, सब उनके असिस्टेंट है, भगवान नहीं है, हम उनके अंश हैं। जब हम शुद्ध स्तर पर सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा स्वरूप से, मोक्ष की गति स्वरूप से होते हैं, तब हम भगवान के एक शुद्ध अंश है। गुण धर्म में, भगवान में हम में भेद नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी क्षमता, ये जीव अंश में नहीं है, छोटा सा एक अंश है। हम सब एक अंश आत्माएं हैं, वो अंशी है जिससे अनंत अंश निकले हैं, जिनकी किरणों से, जैसे सूर्य की कोई किरण अगर आपके रूम में आ रही हो सुबह सुबह, तो आप उस किरण में देखिए असंख्य छोटे छोटे कण उड़ते हैं। ऐसे ही मान लो भगवान श्री कृष्ण सूर्य हैं, तो उनकी असंख्य किरणों में से कोई एक किरण में जब आप देखेंगे कि असंख्य कण हैं, उनमें से एक कण आप हैं, हम हैं, ये सब हैं, एक एक कण, इंडिविजुअल आत्मा। तो हम जब भगवान की इस एक बद्धता को भूल जाते हैं, भगवान के संयोग से दूर हो जाते हैं, वियोग हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं अपने अहंकार के कारण ही सही, अज्ञान के कारण ही सही, तभी हम इस संसार में गिरते हैं, या भोक्ता बनने की इच्छा से, इच्छा प्रकट हुई तभी तो नीचे उतरे, ऐसा कोई विचार प्रकट हुआ, ऐसी कोई भावना उठी कि हम भी लॉर्ड बनना चाहते हैं, तो नीचे उतरे उस ऊंचे पद से, उस सच्चिदानंद स्तर से, भगवान के सबॉर्डिनेट पद से, नीचे उतरे, तो फिर जाके ऊंचे देवलोकों में आए, भोग विलास किए, वहां से फिर पतन हुआ, नीचे आए, अभी ये मनुष्य योनि में आए हैं, योनि 84 लाख योनि को भोग भोग करके, अभी जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसा अहम होगा, ऐसे ही हम ऊपर या नीचे जाएंगे, या देवलोकों में चले जाए कभी पूर्ण धर्म करते, यज्ञ दान करते, या फिर बुरे कर्म करते हुए राक्षसी स्वभाव से हम नरक तक में जा सकते हैं, पशु पक्षियों में जा सकते हैं, क्रोकोडाइल बन सकते हैं, नाग बन सकते हैं, सुअर कुत्ते बिल्ली बन सकते हैं, गधे घोड़े गाय बैल हाथी बन सकते हैं। ये शरीर का निर्माण कर्म है, हमारे कर्मों का फल है ये। कर्म विचारों से भी बनते हैं, जब पहला विचार उठा, इच्छा करी कि मैं भी एक शरीर प्राप्त करूं, मैं भी मैटेरियल नेचर पर मास्टर बनूं, नहीं, ये दोनों नेचर, भगवान की जो प्रकृति है, दोनों प्रकृति, परा और अपरा, भौतिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ये दोनों के मास्टर भगवान है, हम नहीं बन सकते,
हम बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहां गिर जाते हैं और जन्म मरण जरा व्याधि में पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ है वो उस प्रभु का है और हम प्रॉपर्टी नहीं है, उसके मालिक नहीं है, प्रभु उनका मालिक है। हमारे परिवार का मालिक भी वही है, हमारे परिवार का पति वही है। मीराबाई ने जैसे पति वरा, ऐसे वर को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरु तो उस वर को वरूं जो मेरे चूड़ो अमर रह जाए। तो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकारा। वो सारे संसार के पति वही हैं, कोई स्वीकार ले उन्हें पति, पति यानी मालिक, पति यानी रक्षक, सारे संसार के मालिक वो, दो जहां के मालिक वो है, हम नहीं। हम कैसे बन सकते हैं? एक मच्छर कोशिश करे कि मैं सूर्य को छू लूं तो संभव है? मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है सूर्य लोक में जाना। यान फेल हो जाएंगे, जिस दिन जाने की सोचेगा जल जाएंगे। तो ये छोटी सी अंश भगवान का, केशाग्रे सतभागश्य शतांश सादृशात्मका, जीवा सूक्ष्म स्वरूप अयम संख्यातीतो ही चित्कणः, असंख्य कण ये आत्मा स्वरूप से है, अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य, संख्यातीतो, संख्या से बाहर असंख्य। और इनका स्वरूप क्या है? केशाग्रे शत भागश्य शतांश है सादृशात्मक, बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़ा, तो करके देखिए बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े, तो टुकड़ा नजर आएगा नहीं, एटम तो नजर आ जाता है, एटम भी अकेला एटम नजर नहीं आता, वो भी 8-7-6 एटम एक साथ मिलाओगे तब बड़े टेलीस्कोप दूरबीन से बिनोक्युलर से नजर आएंगे, नजर आएगा। लेकिन बाल की आगे की नोक के 10,000 टुकड़े कर दो तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा। इतना सा अंश आत्मा का है जो आप सबके अंदर है, पशु में भी पक्षी में भी, जो जितना चैतन्य है उतनी अच्छी योनि में है, जो जितना सोया पड़ा है मूर्छित है उतनी निकृष्ट योनि में है। ये पेड़ पौधे इतने चैतन्य नहीं है जितने पशु पक्षी हैं, और पशु पक्षी भी इतने चैतन्य नहीं है जितने मनुष्य हैं, और मनुष्य भी इतने चैतन्य नहीं है जितने देवता हैं। लेकिन सही रूप में तो चैतन्य वही है जिसके हृदय में भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति समा गई है, वो अत्यंत चैतन्य है, उसको पूरी तरह से जानकारी है भगवान की, भगवान की लीलाओं की, भगवान के अवतारों की, भगवान की सृष्टि की, अपनी कर्मों की, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा भक्त जो भगवान के चरणों में है, शरणागति में है, शुद्ध भक्त है, वो सबसे अधिक चैतन्य, देवताओं से भी ऊपर है, वो तीनों गुणों से परे है, ऊपर है। तीनों गुणों में देवता आते हैं, सतो गुण में देवता है, लेकिन वो बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर एग्जिस्ट, भक्त एग्जिस्ट होता है। तीनों गुणों से परे भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है तो सबसे अधिक चैतन्य है। उस चैतन्य को ही, उस चैतन्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतम। तो ये
सब मोहित हो रहे हैं, संसार को भोगने की इच्छा करते हैं, इससे मोहित हो रहे हैं, या फिर नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, इससे मोहित हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब तक नफरत नहीं करें, जब तक निंदा नहीं करें किसी की, जब तक झगड़ा नहीं करें, जब तक बुरी नजर से किसी को देखे नहीं, घूरे नहीं, तब तक उनको चैन नहीं मिलता, उनकी रोटी हजम नहीं होती, भोजन हजम नहीं होता। वो एक अपना स्वभाव बना लेते हैं द्वेष करने का। द्वेष जब तक नहीं करें, कलेश जब तक नहीं करें, उनको चैन नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत कम हैं, जो प्रेम की भाषा जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम सिखाते हैं लोगों को, प्रभु से प्रेम करते हैं, विश्व से, उसकी रचना भगवान की सृष्टि से प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, सारे विश्व को गोदी में उठाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। लाहौर के स्वामी राम इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं अपनी पुस्तक में। उन्होंने पेन से कोरे कागज पर एक डॉट लगाई और कहते हैं कि ये डॉट कह रही है कि जो व्यक्ति अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही पछता है, खाता है, पीता है, कुकिंग करता है, अपने लिए ही जो क्रियाकर्म करता है जीवन भर, वो व्यक्ति इस डॉट के समान है। लेकिन इस डॉट के, इस बिंदु के चारों तरफ एक दायरा बनाया, घेरा बनाया, छोटा सा घेरा। फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति कम से कम अपने परिवार को खिलाता पिलाता है, देखभाल करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने रिश्तेदारों को संभालता है, उसका दायरा ऐसा एक छोटा सा दायरा बनाया, एक घेरा बनाया डॉट के चारों तरफ। लेकिन उस घेरे के ऊपर और एक बड़ा घेरा बनाया कि जो व्यक्ति कम से कम अपने गांव को और गांव के लोगों को, उनके सुख दुख को समझता है, सुख दुख में काम आता है, उनकी तकलीफें जानने की चेष्टा करता है, उनको दूर, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है, ऐसे व्यक्ति का दायरा बड़ा है। फिर उन्होंने एक और बड़ा दायरा बनाया उस दायरे के ऊपर, कहते हैं कि जो अपने कम से कम एक प्रदेश को संभाल ले, ऐसा कोई नेता, सच्चा नेता, देशभक्त, प्रदेश भक्त, अपने प्रांत को संभाल ले, उसके लोगों की दुख सुख तकलीफें समझे और उन तकलीफों को दूर करे, उनको सुख सुविधा जुटाए, उसका घेरा, उस सच्चे नेता का, उस सच्चे महात्मा का घेरा और बड़ा बनाया। फिर उसके ऊपर भी एक और दायरा चढ़ा, एक घेरा और चढ़ाया कि जो अपने देश को सुखपूर्वक संभाल सकता है, शासन कर सकता है, अपने देश के प्रजाजनों को पुत्रोत्पाल सकता है, उनकी दुख तकलीफें दूर कर सकता है, समझ सकता है, ऐसे पुरुष का जीवन और भी बड़े घेरे के समान बताया। उसका दिल, उसका हृदय विशेष बड़ा है, एक देश को सुख सुविधा जुटाना चाहता है, एक देश को संभालता है, सुनता है लोगों की तकलीफें, उनको, उनके दुख दूर करता है, अस्पताल खुलवाता है, स्कूल खुलवाता है इत्यादि। लेकिन फिर भी एक और भी घेरा बनाया, वो विशेष बड़ा था, वो पूरे विश्व का घेरा बना दिया। मतलब ये जो पूरे विश्व का दुख तकलीफ समझता है, ये घेरा तो किसी
बिरले का ही होता है, इतना विशेष दिल जिसमें विश्व समाया होता है, संसार समाहित होता है, ऐसा घेरा, ऐसा विशाल दिल तो एक भगवान के शुद्ध भक्त का, एक महान आत्मा का ही होता है, जो सारे विश्व की कल्याण के लिए प्रयास करता है, सबको जगाना चाहता है, सबको चैतन्य करना चाहता है, ये जन्म मरण जरा व्याधि से मुक्त करवाना चाहता है, मोक्ष करवाना चाहता, दिलाना चाहता है। ऐसे विरले होते हैं, ऐसे संत बहुत कम होते हैं। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, भक्त रविदास, कबीर, गुरु नानक, प्रभुपाद, जो भगवान पूरे विश्व को जगाना चाहते हैं, सुख सुविधा जुटाना चाहते हैं, सच्चा सुख परमानंद की ओर सारे विश्व को ले जाना चाहते हैं, ऐसे संत, ऐसे हृदय वाले बहुत बिरले, बहुत कम, उनके दर्शन बड़ी दुर्लभता से होते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, तो ये इच्छा करता है आदमी तो सुख दुखों में, ये द्वंद में फंसा रहता है इच्छा और द्वेष के, तो इसका बार बार जन्म होता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धरती ही, तो मूल रूप में इच्छा और द्वेष है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे परन्तप, हे अर्जुन, ये इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्वों में पड़ करके ही ये सारा सर्वभूतानि, सारे भौतिक संसार में वास करने वाले सब भूत प्राणी सम्मोहित हो रहे हैं इच्छा द्वेष से, ये द्वंद से, और ये बार बार सर्गे यान्ति परन्तप, ये बार बार जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, उमर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, कभी कभी मनुष्य में, कभी देवलोकों में, कभी गधे घोड़ों में, कभी नरक में जन्म जरूर होता है। तो ये मुक्त नहीं होते, इन दुखालयों से मुक्त नहीं होते, ये क्लेश दुख तकलीफें इनसे मुक्त नहीं होते, ये संसार की दावानल में जलते रहते हैं, झुलसते रहते हैं। संसार दावानल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रातस्य कल्याण गुणान वश्य वंदे श्री गुरु चरणारविंदम। गुरु के चरणों में वंदना न करने से ये दावानल में झुलसते हैं, ये पूरे संसार में दावानल लगी हुई है, देवताओं को भी नहीं छोड़ती है, देवता भी इस दावानल से नहीं बचे, बेशक वहां कुछ लपटे जाती हैं, मूल रूप से दावानल नरक में से धधकती है, और ये मृत लोक मिडिल प्लानिटरी सिस्टम सबको झुलसाती है, जलाती है, देवों को भी नहीं छोड़ती, देवताओं को भी नहीं छोड़ती, वो भी युद्ध होते हैं देवताओं के और असुरों के, इंद्र के वृत्रासुर का युद्ध होता है, कभी कभी देवताओं को मुंह की खानी पड़ती है, मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, या कहीं डरपोकों की तरह छुप जाना पड़ता है पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के कहीं दूर, और असुर राज करते हैं उनके सिंहासनों पर, उनके कुर्सियों पर। तो ये सारे झुलस रहा है संसार, इसमें कोई भी सुख शांति पूर्वक नहीं है। संसार दुखालयम अशाश्वतम, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में ये लिखा है,
कि संसार दुख का घर है, इसमें सुख मत समझना। किसी फिल्म वाले ने तो इसको फिल्म आया है कि आंचल में तेरे फूल हैं कम, कांटे हैं ज्यादा। लेकिन यह भी सत्य नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं यह सत्य नहीं है। संसार दुखालयम अशाश्वतम, या जग में सब दुखिया देखिया, को ना सुखिया देखिया हो। राजा हो दुखिया, रंग को दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। संसार में दुख है, सुख नहीं है। यहां आते तो खिलखिलाते हुए चेहरे लेके आते हैं बालक, और जाते हैं जब जाने से पहले ही चेहरे पर सारा कलेश बीमारियां चढ़ जाती हैं, दुखों की छाप रह जाती है। अंत समय में दुखी दुख छाप छोड़ जाते हैं। दुखों की छाप लगना शुरू हो जाता है, बचपन से दुखों की छाप लगना शुरू हो जाता है। फिर तो छाप ही छाप छूट जाती है जब बुढ़ापा आता है, दुखी दुख बाकी रह जाते हैं। फिर फूल कहां, दामन में तेरे फूल है कम, कांटे हैं ज्यादा। अरे फूल है ही नहीं, कांटे ही कांटे हैं। फिर हंसी गायब हो जाती है, जवानी में ही हंसी चली जाती है, बुढ़ापा तो दूर है, हंसना भूल जाता है आदमी। हंसता भी है तो ऊपर ऊपर, अंदर से हंसी आती नहीं। और ऊपर का हंसना क्या हंसना है, वो तो प्लास्टिक के किसी गुड्डे गुड्डियों को हंसा दो, हंसते हुए चेहरे बना देते हैं, ऐसे ही है बस। अंदर हृदय से कोई बात ही नहीं, हृदय है ही नहीं, रहा ही नहीं, हृदय चट्टान बन गया है, या दुखों का हॉस्पिटल बन गया है हृदय। हृदय में कलेशों का, बीमारियों का ही बोलबाला रह गया है। फिर फूल कहां से उगेंगे, फूल तो उसके जीवन में उदय होते हैं, खिलते हैं, जो उस चरण कमल के शरण में रहा हो, उस परमात्मा की, परमेश्वर की शरण जिसने ली हो, उसके जीवन में, उसकी बगिया में फूल खिलते हैं। किसी शुद्ध भक्त के आंगन में फूल खिलते हैं, उसके हृदय में फूल खिलते हैं, उसके झरने झरते हैं, उसके बागों में कोयल बोलती है, उसके ऊपर देवा देव और देवियां फूल बरसाते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर ये देवता फूल बरसाते हैं आकाश से, वो धन्य है।